मीनू की शादी छोटी उम्र में हो जाती है। ससुराल आकर मीनू ससुराल में रंग जाती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल कर एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में लग जाती है। एक दिन अचानक रात के 10 बजे मीनू को उसकी माँ का फोन आता है। इतनी रात को माँ का फोन देखकर मीनू को डर लगता है और वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, अरे इतनी रात को माँ का फोन, कुछ हुआ तो नहीं? मीनू डरते डरते फोन उठाती है, कोई बात तो नहीं हो गई ना माँ? मीनू के इतने कहने की देर थी कि उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा क्या बताऊँ, तेरा भाई बिना पैसों के ही पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया है। उसके पास एक भी पैसा नहीं है, वो क्या खाएगा क्या पिएगा समझ में नहीं आ रहा। माँ माँ तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। पहले तो मीनू का दिमाग काम नहीं करता, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पति प्रदीप को सब कुछ बताते हुए कहती है, आप ट्रेन में मेरे भाई तक पैसे पहुँचा सकते हैं क्या? आप कुछ करिए ना प्लीज। ठीक है, मैं उसे 2000 दे आता हूँ स्टेशन पर। उसकी गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, तुम उससे बात करके मुझे बर्थ नंबर बता दो। मीनू तुरंत अपने भाई से बात करती है और प्रदीप उसे स्टेशन पर पैसे देकर आ जाता है। एक बार के लिए मीनू और उसकी माँ के मन को शांति हो जाती है। दिल्ली पहुंचकर अमित मीनू को फोन करता है, दीदी तुम लोग चिंता क्यों करते हो, भगवान है ना मेरे साथ और ऊपर से तुम लोगों को प्यार है, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे कोई ऐसे घर से जाता है क्या, तू ही बता, तू ना वापस चला जा माँ के पास। नहीं दीदी, मुझे सीए बनना है, पैसे कमाने हैं, घर पे ऐसा कोचिंग और टीचर नहीं है जिससे मैं पढ़ सकूं, मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है, मैं सीए बनकर ही लौटूंगा दीदी। अमित तू कैसे रोएगा, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तू अनजान शहर में कहाँ रहेगा क्या खाएगा, तू मेरा प्यारा भाई है ना, तू ट्रेन पकड़ कर वापस माँ के पास चला जा। नहीं दीदी मैं वापस नहीं जाऊँगा, तुम माँ से कह देना अपना ख्याल रखें, पैसे वाला बनने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। अमित फोन रख देता है और इधर मीनू दिन रात अमित के बारे में सोचती रहती है। खुद को वो बहुत लाचार महसूस कर रही थी कि वो अपने भाई के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। इस तरह से दिन बीतने लगते हैं और 20 दिन बाद प्रदीप का एक नया दोस्त उससे मिलने घर आता है। भाई क्या बात है, बड़े दिनों के बाद मेरी याद आ गई। तू कौन सा शादी के बाद मुझे याद करता था हैं? अच्छा यार तुझसे ना एक पर्सनल बात करनी है। कल मैं जब दिल्ली स्टेशन के लिए निकल रहा था तो मैंने भाभी के भाई को फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे सोते हुए देखा। उसके सर के नीचे सीए की किताबें थी। इस हाल में उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। भैया ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जो उसे इस तरह रहना पड़ रहा है? यार सीए के एक से एक इंस्टीट्यूट यहाँ भी खुल गए हैं। मीनू चाय नाश्ता लेकर आ रही थी और ये सब सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो उसी वक्त अपने कमरे में जाकर भाई को फोन लगाती है। अमित तू किन हालातों में वहाँ रह रहा है, मुझे सब पता चल चुका है, तू अभी के अभी मेरे ससुराल आ जा, तुझे मेरी कसम है। दीदी तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मुझे जिस कोचिंग की जरूरत है वो तुम्हारे शहर में नहीं होगी। अमित यहाँ भी ना एक से एक सीए की क्लासेस करवाने वाले इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। मैं तुझे तेरे जीजू से टिकट के पैसे भिजवा रही हूँ, तू मेरे पास आ जा और जो तू नहीं आया ना तो मैं खुद वहाँ चली आऊंगी। ओहो ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठाऊंगा, तुम जीजा से मेरे लिए पैसे नहीं मांगोगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे घर में भी ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करूंगा। ठीक है पहले तू आ तो जाओ। अगले दिन अमित मीनू के ससुराल पहुंच जाता है। अमित को देखकर मीनू उसे गले लगाकर बहुत रोती है। बहुत बड़ा हो गया है तू, अपनी मर्जी से चलता है हा? इतने दिनों के बाद अमित घर का खाना खाता है और उसी वक्त सीए की ट्यूशन पता करने चला जाता है। इधर मीनू अपने आस पड़ोस और दोस्तों को अपने भाई की ट्यूशन पढ़ाने की बात फैला देती है।
मीनू सभी को एक मैसेज भेजती है, अगर किसी को भी अपने बच्चों के लिए ट्यूशन चाहिए तो वो मुझसे संपर्क करे, मेरा भाई बहुत अच्छा टीचर है और वो 12वीं तक की क्लासेस कराता है। मीनू की सपोर्ट से अमित को कुछ बच्चे मिल जाते हैं और इधर अमित खुद की सीए की क्लास भी ज्वाइन कर लेता है। रात को खाने की मेज पर मीनू अमित से कहती है, देख अमित, सुबह कोचिंग जाने से पहले ना मुझे उठा देना, मैं तुझे नाश्ता दे दूंगी। साले साहब, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, अपना ही घर समझो इसे। जया के कलेजे पर सांप लौटने लगते है, वो अमित से कहती है, अरे बेटा कब तक तेरी पढ़ाई है? उसमें क्या है, जब तक उसे पढ़ना है पढ़ेगा, पढ़ाई भला कभी खत्म भी होती है क्या माँ? जया के मन में उथल पुथल होने लगती है और वो अपने मन ही मन कहती है, अरे मेरे बेटे के ऊपर बैठ कर खाएगा, इसे मैं ज्यादा दिन तक यहाँ टिकने नहीं दूंगी। अगली सुबह मीनू 5 बजे उठकर नाश्ता बनाकर अमित को नाश्ता करा देती है और उसका टिफिन पैक कर देती है। कोचिंग के लिए निकलते वक्त मीनू कुछ पैसे अमित के हाथ में रख कर कहती है, अरे पूरे दिन तुम बाहर रहेगा, कुछ खा लेना। नहीं दीदी, तुम फिर से जीजू से मेरे लिए पैसे ले रही हो ना? अरे ये मेरे पैसे हैं जो मैंने घर के खर्च में से बचाए हैं, तू सीधे रात को आएगा, अभी तेरे पास पैसे नहीं होंगे ना, चल मुंह बंद करके रख ले इसे। उधर अमित कोचिंग चला जाता है। इधर 9 बजे प्रदीप और जय नाश्ते के लिए बैठते हैं, तब मौका पाकर जया प्रदीप से कहती है, अरे बेटा संभाल कर, घर में साला और दीवार में आला बहुत खराब होता है, धीरे धीरे घर को खोखला कर देता है। अरे मीनू वैसे 5 बजे तो उठती नहीं, लेकिन अपने भाई के लिए उठ गई और उसे इतने अच्छे से सारा नाश्ता भी करा दिया, उसके बाद भी उसे टिफिन पैक करके देने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे ऐसे तो राशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऊपर से तुझसे छिपकर पैसे दिए जा रहे हैं, पता भी है तुझे? ऐसा कुछ नहीं है माँ, एक आदमी कितना ही खा लेगा, कोई अपने पेट से ज्यादा तो खा नहीं सकता, तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो। दिन बीतने लगते हैं, जया प्रदीप को भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इधर मीनू अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज जया प्रदीप को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, अरे प्रदीप बेटा संभल जा, अभी भी वक्त है, देख रही हूँ मैं, जब से अमित इस घर में आया है मीनू घर से ज्यादा अमित में लगी रहती है, इस बार महीने का राशन 15 दिन में खत्म हो गया है, आज तो मीनू अमित के लिए इतने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े लेकर आई है, जिन चीजों पर मेरे नाती पोतों का हक है वो उसे भला क्यों मिले? माँ यही बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? प्रदीप जया की बातों को अनसुना कर देता है और इसी तरह से 1 साल बीत जाता है। जया के बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी और वो मौका पाकर प्रदीप से कहती है, अरे बेटा 1 साल हो गया है, अबे जाएगा भी यहाँ से या नहीं? तेरे सभी दोस्तों के बच्चे हो गए हैं, एक तुझे छोड़कर, जब तक अमित यहाँ से नहीं जाएगा तब तक मीनू बच्चा नहीं करेगी। अरे घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है, जब देखो मीनू अमित को 500,000 देती ही रहती है, अपना कमरा तक साफ नहीं करता अमित, और तो और उसके जूते भी मीनू ही साफ करती है। अरे बेटा शादी के बाद कौन अपने ससुराल वालों को छोड़कर मायके वालों के लिए इतना करता है, बता तू ही, देख लेना एक दिन तू बहुत पछताएगा। अरे आज तेरा साल आया है, कुछ दिन बाद तेरी सास आ जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। इतने दिनों से जया की बात सुनते सुनते अब उसे भी ये बात सही लगने लगती है और वो मीनू के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगता है, तुम जब देखो अमित अमित करती रहती हो, अमित के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता क्या? तुम मुझसे अलग से पैसे लेती हो और घर के खर्च में से पैसे अलग से बचाकर अपने भाई को दे देती हो, इतना पैसा उसे किसके लिए चाहिए? तुम मुझे रोड पर लाकर छोड़ोगी, लाखों खर्च कर दिए हैं तुमने उस पर, वो तो लाट साहब की तरह रात को आता है और सुबह चला जाता है, बैठे बिठाए उसे सब कुछ मिल रहा है, आने दो आज उसे, आज नहीं छोड़ूंगा, उसे वापस फुटपाथ पर जाकर रहे। आप ना मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं,
उसने कोई आपसे पैसे नहीं लिए, वो खुद के पैसों से बढ़ रहा है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। प्रदीप और मीनू में बहुत देर तक बहस होती है। रात को अमित घर आता है और कहता है, दीदी बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लगा दो ना। अमित हाथ धोकर खाने की मेज पर बैठ जाता है और प्रदीप उसी वक्त उसके पास लड़ने के लिए पहुंच जाता है। प्रदीप जैसे ही अमित को कुछ कहने को होता है, अमित उसके हाथ में बाइक की चाबी पकड़ा कर कहता है, जीजू मैं आपका ही वेट कर रहा था, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है और उसी से मैंने ये बाइक आपके लिए ली है। मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, मुझे आप में अपने पिता नजर आते हैं। चलिए बाइक देखते हैं जीजू। अमित की बात सुनकर प्रदीप की आंखें भर आती हैं। तुमने नौकरी कब पकड़ी? तू तो अभी पढ़ रहा है ना? जीजू जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा था ना, वही मेरे नॉलेज और काम से खुश होकर बॉस ने मुझे जॉब पर रख लिया। प्रदीप अमित को गले लगाकर कहता है, तू मेरा बड़ा बेटा है, मुझे माफ कर दे अमित, मैंने तेरे लिए बहुत बुरा भला सोचा, अब तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा अपने जीजा के साथ। जीजू एक राउंड करके आते हैं। अमित और प्रदीप बाइक से घूमने निकल जाते हैं। जया के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है और अमित मीनू और प्रदीप के दिल के और भी करीब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।